दुनिया की जोड़ लगा लो, आप अपने माँ बाप बहन और भाई ये चार रिश्ते आप खरीद कर बताओ, मैं उनको सलाम करता हूँ। सर आपने यूके के बारे में सुना है, यूनाइटेड किंगडम? यूके, हाँ बिल्कुल मुझे याद आ गया, यूके का तो नाम सुना है, बल्कि उसका हमने इसी चैनल पे और इसी टेबल पे बैठ के हमने यूके का नाश्ता भी किया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। वैसे यूके का नाम तो मैंने भी सुना है, मेरे ख्याल में वहाँ शाही खानदान मतलब हुकूमत करते हैं, वहाँ बादशाह तो जो है ना क्या कहते हैं उसका मलका वाला सिस्टम वो कोई चल रहा है वहाँ। यूके मुल्क है ना, यूनाइटेड किंगडम जो बर्तानिया, क्वीन एलिजाबेथ का पोता और मेगन हैरी की बीवी है। ये जरूर करेंगे बात। ये लड़का हैरी है और लड़की मेगन। अच्छा, हैरी और मेगन जी दोनों मियां बीवी है। जी जी, कुछ वक्त पहले प्रिंस हैरी और मेगन दोनों शाही खानदान से अलग हो गए। हैरी और मेगन और शाही खानदान के बीच कुछ बातें थी जिसकी वजह से ये अलग हुए, और दोनों के बाप इनसे रابطہ करना चाहते हैं लेकिन ये दोनों अपने बापों से रابطہ कायम नहीं करना चाहते। इन दोनों के बापों की उम्र 70 से ज़्यादा होगी और उनकी सेहत बेहतर नहीं रहती, ख़ास तौर पर मेगन जो लड़की है उसके बाप मिस्टर मार्कल जिनको कुछ वक्त पहले हार्ट अटैक और फालिज हुआ था। तो आपका हैरी और मेगन के बारे में क्या ख्याल है कि उनको अपने वालदैन के साथ उनके अपने बापों के साथ ऐसा करना चाहिए? यार मैं तो कहना चाहूँगा कि मतलब माँ बाप के साथ ना तो ऐसा नहीं किया जाए यार, उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि माँ और बाप का दिल होता है नरम। वैसे मेरे हिसाब से तो हैरी और मेगन को दोनों को कहूँगा कि दोनों इस जगह पे इस टाइम पे गलत हैं, क्योंकि जब इनके माँ बाप उनको वापस बुलाना चाह रहे हैं तो इनको जाना चाहिए। दूसरी बात, उनकी सेहत भी सही नहीं है, उम्र भी ज़्यादा है, इंसान है आज है कल नहीं। तो माँ बाप को कुछ नहीं समझते, दौलत को समझते। इस दौलत आप दुनिया की दौलत लगा लो, आप अपने माँ बाप बहन और भाई ये चार रिश्ते आप खरीद कर बताओ, मैं उनको सलाम करता हूँ। ये चार रिश्ते तो बताए, ये जिंदगी भर में उनका गुलाम रहूँगा। दौलत क्या चीज़ है, आज दौलत है कल नहीं है, लेकिन आप लोग अपने माँ बाप को साथ जाओ, उनके बाप जाओ, उनके पाँव चूमो, ये सारी दौलत उनके पाँव के नीचे है। तुम लोग जाओ तो सही है एक मरतबा, लेकिन जिंदगी भर आप ऐसा ख्वा रहेंगे, माँ बाप आपको नहीं मिलेंगे। ये याद करना, जब वो आपने अभी तो वो ख़त्म है बेचारे, चले जाएंगे दुनिया से, फिर आप पछताओगे, ये बात याद करो हमेशा। मुआवजा अदा नहीं कर सकते तो क्योंकि वालदैन के तो अहमियत बहुत बहुत ही ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में कि इनको जो है ना अपने वालदैन से समझौता कर लेना चाहिए, चाहे वालदैन गलत भी हों, लेकिन क्योंकि वालदैन वालदैन होते हैं माँ बाप, और माँ बाप की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। अगर उनके मतलब बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और उनके साथ अच्छा बर्ताव अच्छा सलूक करेंगे तो उनकी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया भी। यार मेरी तो माँ का इंतकाल हो गया है, मेरा अब्बू मेरे साथ रहता है और हम लोग सारे भाई जो है ना साथ रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मतलब माँ बाप के मतलब अलावा नहीं बंदा रह सकता। भाई हम मानते हैं कि हम मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ही कम मतलब तालीम याफ्ता है, लेकिन हमें अपने वालदैन ने ऐसी तरबियत दी है कि हम हर गिज़ जो है ना अपने वालदैन की नाफरमानी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप ही सारा सरमाया माँ बाप ही है, और माँ बाप की खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लिहाजा हर औलाद को इसी तरह करना चाहिए। और ये सब बड़ा आदमी होते हुए भी जाहिल होते हैं, वो तो फिर हद हो गई, जाहिल ही करते हैं कि माँ बाप के बगैर तो इंसान जी नहीं सकता। माँ बाप के इंसान का हो सब कुछ हुआ है, जब माँ बाप बच्चे को जब तकलीफ में होता है फिर भी आपने बच्चे की खिदमत करता है, बच्चों को पालते पोसते, जब बड़ा होता है उनका सहारा बनता है तो छोड़ के चला जाता है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है उनके लिए, लेकिन वो गुजर जाएंगे, वो तो चलो पड़े रहेंगे, एक दिन उनको जाना है, अगर चला गया ना फिर ये पछताएंगे कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया। तो दुआ करूँ अल्लाह पाक से कि ये शाही खानदान जो है ना
उसी तरह हंसी खुशी फिर से ज़िंदगी गुजारे और इनकी रंजिशें और ये जो मतलब नाचा किया और जो भी गलत फहमियाँ ये दूर हों और एक ही ख़ानदान फिर से जुड़ जाए। मतलब कहता हूँ कि मेहरबानी करो और अपने माँ और बाप के पास जाओ प्लीज़। हैरी एंड मेगन प्लीज़ कॉल योर फादर्स। हैरी एंड मेगन प्लीज़ कॉल योर फादर। हम दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले नाज़रीन अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।